लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी मंदरूनी गुटबाजी और कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के सम्मेलन में किच्छा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक तिलक राज बिहड़ शामिल नहीं हुए। वहीं जब गुटबाजी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ कार्यकर्ताओं से मतलब है, आप विधायक से जाकर पूछिए। कौन सी गुटबाजी दिखाई दे, मुझे तो नहीं दिख रहा। देखिए ये आप विधायक से पूछिए, मुझे तो कार्यकर्ता से मतलब है। और ये संगठन का की मीटिंग है और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मीटिंग उधम सिंह नगर में, ये ऐतिहासिक मीटिंग है। सारे कार्यकर्ता घरों से निकल के आए हैं। चौहान यहाँ हैं, गोपाल सिंह राणा जी यहाँ हैं, सुमित हृदय जी यहाँ हैं, चौहान जी यहाँ हैं, कौन विधायक नहीं है? कोई अगर नहीं आया उसको हो सकता है पारिवारिक कुछ कारण रहे हों, हो सकता है स्वास्थ्य ठीक ना हो। अब 100 में से 100 तो नहीं आएंगे, 5 में से 4 विधायक मंच पे बैठे हुए हैं। वहीं सम्मेलन में शामिल नहीं होने पर जब कांग्रेस विधायक तिलक राज बेड़ा से हमारी टीम ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उसमें क्या ऐसी वजह रही जो आप शामिल नहीं हो पाए? असल में एक गाना सुनता था मैं, पिक्चरों में देखते थे, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो ये तो भैया जो नहीं समझ रहे हैं वो अनाड़ी हो सकते हैं, पर जानते सब कुछ हैं। तो ये सब लोग जानते कि मैं क्यों नहीं आया। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रदेश संगठन भी जानता है, मेरा जिला संगठन भी जानता है, प्रदेश अध्यक्ष भी जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं। तो मैं क्यों नहीं गया, ये अंदरूनी परिवार का मामला है, पार्टी का मामला है, पर मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस विधायक के बयान से साफ पता चलता है कि पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी और कलह से जूझ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।